हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं बात कर रहा हूँ समस्टार के सम्राज टावर कूलर की, और ये ब्रांड कहता है कि इनकी इनके कूलर की बिल्ड क्वालिटी इज द बेस्ट। व्हाई नॉट ट्राई नाउ। मेरा नाम है राजकुमार राजपूत, नाम तो सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कूलर की क्वालिटी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है आपका, इसकी पावर लीड है। जो पावर लीड है इसकी 1.5 मीटर की लेंथ है और 6 एम्पियर का प्लग इसके अंदर 3 पिन टॉप यूज करा गया है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, इसमें आपको मिलती है, इसके अंदर आपको मिल जाती है 3 नॉब कंट्रोल। ठीक है, पहला जो इसके अंदर नॉब दे रखा है वो आपको कंट्रोल करता है स्विंग को। स्विंग का मीन्स होता है जो आपकी एयर होती है उसको लेफ्ट एंड राइट साइड करने के लिए उसको नॉब दे रखी है इसके अंदर स्विंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका एयर थ्रो। जो इसकी फैन की जो स्पीड होती है उसको लो, मीडियम एंड हाई करने के लिए, ये ऑपरेट करने के लिए आपकी नॉब दी रखी है इसके अंदर। ठीक है, और आपकी बात करते हैं तीसरी नॉब की, नॉब कंट्रोल तीसरी जो है इसके अंदर, इससे आपका ऑपरेट होगा पंप, जो इसकी हनीकॉम पैड पे पानी डालने का काम करता है। ठीक है, ये बात होगी तीनों नॉब की। इसके बाद बात करते हैं इसकी फ्रेम की। जो इसके अंदर फ्रेम यूज करा गया है ये आपका 18 इंचेस का फ्रेम है, और उसको ओपन करना, इसको ओपन करना मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही आसान है। इसको ऐसे ओपन करना नॉर्मल तरीके से, यहाँ पे आपको हाथ रखनी और ये चीज जो है केवल आपको अप करनी है, बस आराम से करनी इसको। ये भी ऊपर आपका दूसरा वाला भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो आपकी मोटर यूज करी गई है ये आपकी 110 मोटर है, जो कि 250 वॉट में होती है। 250 वॉट में होने के कारण इसको आप जो है इन्वर्टर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के यूज कर सकते हैं। जो इसकी कॉइल है, कॉइल बाइंडिंग जो होती है एल्युमिनियम में, इसकी 1 ईयर वारंटी होती है। ठीक है, इसके अंदर जो ब्लेड यूज करे गए हैं वो आपके प्लास्टिक पॉट में, जो आपको कंफर्टेबल यूज कर सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कूलर आपको बहुत ही ज्यादा एयर थ्रो एंड फ्लो के साथ मिलता है, जो कि आपके कमरे को बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी साइड पैनल। साइड पैनल में जो आपका इसके अंदर हनीकॉम पैड यूज करे गए हैं, इसकी जो थिकनेस है वो काफी मोटी है, जो आपके पानी को काफी टाइम तक एब्जॉर्ब करेगी। और ये नॉर्मल जो कूलर की ग्लास होती है वो आपको हर सीजन चेंज करनी होती है, प्लस पॉइंट इसकी कूलर की जो हनीकॉम पैड लगे हुए हैं वो 2 से 3 साल बाद ही आपको चेंज करने होंगे। ये नहीं कि आपको हर सीजन में ये चीजें चेंज करनी होंगी। ठीक है, हनीकॉम पैड आपके बैक साइड में भी दे रखा है, इसकी काफी अच्छी लेंथ दे रखी है, और साइड पैनल में बिल्कुल सेम है, ये देखिए। ठीक है, और अब बात करते हैं इसकी अपन साइड की। तो इसमें आपको मिलता है केवल आइस चिलर, जो आपके कूलर, जो आपके कमरे को और ज्यादा चिल्ड करने का काम करता है। इसके अंदर क्या है, आपके डोटेज दे रखे हैं, इसमें आप आइस चिलर की जो छोटे वाली आइस आती है उसको आप सेट कर दें और उसके बाद आनंद लें, केवल कमरे के अंदर ठंडक ही ठंडक होने वाली है, बस ठंडक ही ठंडक। फिर आपका मन बाहर जाने का करेगा ही नहीं, फिर आप सोचोगे बस केवल अंदर ही रहें और केवल ठंडक का आनंद लें। ये आपका आइस चिलर दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, इसको लॉक कर देते हैं, पता लगेगा इसके अंदर से आइस चिलर निकल के भग जाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी टैंक की। ये टैंक आपको जो मिलता है 90 लीटर का टैंक है, इसके अंदर वाटर लेवल इंडिकेटर दे रखा है, जिससे आपको पता लगता रहेगा इसके अंदर पानी है या नहीं है। और इसको बहुत ही अच्छी लुक देने के लिए इसके अंदर कैस्ट्रोल विल यूज करे गए हैं, ये देखिए, जो कि आपको घुमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, आप बहुत ही आराम से घुमा सकते हैं, और पानी भरने के बाद इसको आराम से लेफ्ट एंड राइट बैक कैसे भी कर सकते हैं आप, इस कमरे से उस कमरे में आप उसको आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है पहले जमाने में लोहे के कूलर होते थे जिनको आप खिड़की पे लगा के यूज करते थे, और इस कूलर को भी आप खिड़की पे लगा के यूज कर सकते हैं, प्लस आप तो कमरे में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, इस चीज का आप सभी ध्यान रखें। और इसकी बात करते हैं इसकी वारंटी की, जनवरी टू दिसंबर 2024 पर यह वारंटी होती है इसकी। मोटर एंड पंप रिप्लेसमेंट वारंटी है, कोई भी चीज आपकी दोनों में से खराब होती है तो आपको तुरंत लेकर आइए और तुरंत चेंज होकर आपको दूसरी मिल जाती है।
तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे।